दोस्तों नमस्कार, अंदाज अपना अपना में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों बीती 8 सितंबर को मशहूर गायिका, सिंगर और एक बहुत अच्छी इंसान आशा ताई का जन्मदिन था। आशा भोसले जी का जन्मदिन था, जिनका जन्मदिन पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्रीज में, टीवी चैनल्स पर, रेडियोस पर और इलेक्ट्रिक मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और पेपर मीडिया में बहुत धूमधाम से मनाया गया। और आज रेडियो उड़ान की ओर से भी हम आशा जी के जन्मदिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा। संसार मिला प्यार मिला हमें यार मिला, एक नया संसार मिला। चल यूं ही चल दे कहीं, दिल जवां और रुत हंसी, चल यूं ही चल दे कहीं। दोस्तों रेडियो उड़ान की ओर से आशा जी को उनके जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। और आशा जी के बारे में हम आइए कुछ दिलचस्प कही अनकही बातें करने की कोशिश करते हैं। आशा जी 1933 में सांगली में जिनका जन्म हुआ था और बहुत बड़े परिवार में दीनानाथ मंगेशकर के यहाँ जन्म हुआ था। ये चार बहनें थी, आशा मंगेशकर, लता मंगेशकर, मीना मंगेशकर और उषा मंगेशकर और एक भाई हृदयनाथ मंगेशकर। तो पिता की मृत्यु के बाद जो पूरी जिम्मेदारी लता जी पर आ गई थी तो उन्होंने सभी बहनों का पालन पोषण शुरू किया था। तो 1940s में आशा जी ने जब पूरी तरह होश संभाला तो इन्होंने भी कुछ काम करने की सोची, लेकिन 50s में आते आते
लता मंगेशकर अपनी सिंगिंग में उस वक्त बॉलीवुड इंडस्ट्री में पूरी तरह पैठ जमा चुकी थीं, और इधर से शमशाद बेगम और गीता दत्त जैसी प्रोनाउंड सिंगर्स थीं, और इन तीनों सिंगर्स के बीच में अपनी जगह एक जगह बना पाना बहुत मुश्किल था। लेकिन आशा जी ने उस वक्त संघर्ष किया और अलग अलग छोटी छोटी फिल्मों में, लो बजट मूवीज में काम करना शुरू कर दिया, जो उस वक्त की बी और सी ग्रेड मूवीज थी उनमें काम करना शुरू कर दिया, जिनमें ए आर कुरैशी और गुलाम हैदर जैसे संगीतकारों के साथ इन्होंने काम किया। कुछ गाने रिकॉर्ड किए, रिलीज हुए, जो बहुत ज्यादा हिट नहीं हो पाए। और इसके बाद जो है 1953 में परिणीता में इनको पहला गाना मिला था, और इसके बाद 55 में ओपी नैयर ने सीआईडी में इन्हें बहुत बड़ा ब्रेक दिया। लेकिन जो सबसे बड़ी सफलता मिली, जिसका गाना हमने आपको सुनवाया, नया दौर फिल्म से। नया दौर फिल्म में उड़े जब जब जुल्फे तेरी, मांग के साथ तुम्हारा जैसे गाने थे, जिन गानों से आशा भोसले जी को पूरी सफलता मिली। और इसके बाद आशा जी की बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक नई पहचान बनने लगी। इससे पहले आर पार जैसी फिल्मों में भी, हालांकि ओपी नैयर जी ने ज्यादातर गाने जो हैं वो शमशाद बेगम और गीता दत्त जी से ही गवाए थे, लेकिन सीआईडी और नया दौर के बाद जो ओपी नैयर को आवाज मिली, आशा जी ओपी नैयर की आवाज बन गई। और ओपी नैयर और आशा जी के रोमांटिक रिलेशंस के बारे में भी इसके बाद काफी ज्यादा चर्चे होने लगे, जिसके बारे में और बात करेंगे। पहले सुनते हैं ये गाना। पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। लेके पहला पहला प्यार, पहला पहला प्यार। तुमने तो देखा होगा उसको सितारो, आओ जरा मेरे संग मिलके पुकारो। लेके पहला पहला प्यार। जब से लगाया
लेके पहला पहला प्यार। तो दोस्तों आशा भोसले जी को इस तरह से एक ब्रेक मिला सीआईडी मूवी से। तो ओपी नैयर और आशा जी के रोमांटिक रिलेशन की बात कर रहे थे, ये एक पुष्टि भी कुछ विश्वसनीय सूत्रों से हुई थी। एक बार किसी ने ओपी नैयर साहब से पूछा था उनके रिलेशंस के बारे में, तो ओपी नैयर साहब ने उसका एग्जाम्पल दिया था कि कश्मीर की फिल्म कली कश्मीर की कली फिल्म का एक गाना अगर आप देखें, इशारों इशारों में दिल लेने वाले, तो उस गाने में जो आशा जी से ओपी नैयर साहब ने करवाया वो रफी साहब से नहीं करवाया। और आशा जी से उनकी एक अलग ही लगाव था, एक अलगन थी, जिसकी वजह से उन्होंने ऐसे ऐसे गाने आशा जी से गवाए। बहारों को भी नाज जिस फूल पर था,
वही फूल हमने चुना गुलसिता से। इशारों इशारों में दिल लेने वाले बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से। निगाहों निगाहों में जादू चलाना मेरी जान सीखा है तूने जहाँ से। बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से। मेरी जान सीखा है तुमने जहाँ से। बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से। मेरी जान सीखा है तुमने जहाँ से। दोस्तों आशा जी की जिंदगी का एक दर्द भरा पहलू भी था। जहां उनका रोमांटिक रिलेशन की बात होती थी वहां आपको मैं बताऊं कि 1949 में उन्होंने लता मंगेशकर जी के सेक्रेटरी गणपत राव भोसले से शादी कर ली थी, लेकिन अपने ससुराल में वो खुश न रह सकी क्योंकि उनके ससुराल वाले उनके गाने पर एतराज करते थे, लेकिन आशा जी जिद करके गाती रहीं। और एक वक्त ऐसा आया 1960s में जब आशा जी दो बच्चों की मां बन चुकी थीं और तीसरा बच्चा अपने पेट में लिए अपना घर छोड़कर आ गई। हालांकि उनके परिवार वालों ने उन्हें बहुत समझाया था कि वो ये शादी न करें, लेकिन खैर प्यार सर पे सवार था, जुनून की तरह उन्होंने शादी कर ली। और इसके बाद उनकी जिंदगी में वो मोड़ आया जिसकी शायद उन्होंने कभी कल्पना तक नहीं की होगी। तो दोस्तों इसी के साथ साथ जो अलग अलग संगीतकारों की लिस्ट है आशा जी के साथ, उनमें रवि साहब का नाम जोड़ा गया। रवि साहब ने आशा जी से बहुत प्यारे प्यारे गाने गुमराए, गुमराह फिल्म में, और इसके अलावा आज और कल फिल्म का एक गाना उनकी जिंदगी को बयां करता है। बहुत उदास हूँ मैं, हमें जहाँ से छुड़ा लो। बहुत उदास हूँ मैं, मुझे गले से लगा लो। दुनिया न जाने कब ये
दोस्तों एस डी बर्मन साहब के साथ भी आशा जी की मालकी थी। आपको बताना चाहूंगा कि 1957 से लेकर 1962 तक आशा जी ने एस डी बर्मन साहब के म्यूजिक में खूब गाने गाए, क्योंकि इस दौरान लता मंगेशकर और एस डी बर्मन के बीच में कुछ तनातनी चल रही थी। और यहां पर मैं एक बार फिर से ये क्लियर कर दूं कि लता मंगेशकर, शमशाद बेगम और उस वक्त गीता दत्त जैसे सिंगर्स के बीच में अपनी पैठ बनाना बहुत मुश्किल था, जो कि आशा जी ने किया। और 1957 से लेकर 1962 तक एस डी बर्मन साहब ने आशा जी से खूब गाने गवाए, जिनमें लाजवंती, इंसान जाग उठा और काला बाजार, काला पानी जैसी फिल्में शामिल थी। आइए आपको लाजवंती फिल्म का एक खूबसूरत गाना सुनवाते हैं। देखिए शैली स्टाइल वही ओपी नैयर साहब वाला है। और यहां पर आपको एक और बड़े मजे की बात बताते हैं कि इससे पहले बूट पॉलिश फिल्म में जो एक बहुत बड़ा ब्रेक मिला था वो आशा जी को मन्नादा के साथ, रफी साहब के साथ गाने को मिला था। कंपोजर्स के साथ आशा जी ने अलग अलग गाने गाए, जिनमें खय्याम, शंकर जयकिशन, सलील चौधरी। और खय्याम के साहब के साथ तो वो किस्सा मशहूर है, उमराव जान फिल्म में जो हाफ नोट नीचे करके उन्होंने आशा जी से गाने गवाए थे। और उमराव जान फिल्म का जो म्यूजिक काफी मशहूर हुआ था, और सलील चौधरी दा ने भी
बहुत सारे हिट गाने आशा जी से गवाए। और इनके अलावा शंकर जयकिशन का अगर आपको याद हो, सूरज फिल्म का गाना रफी साहब के साथ, कैसे समझाऊं बड़ी ना समझ हो, और इनके अलावा बहुत सारे गाने थे शंकर दा ने, शंकर जयकिशन जी ने जो आशा जी से गवाए थे। यहां पर मैं पंचमदा के बात करने वाला हूं, क्योंकि गणपत राव भोसले के बाद पंचमदा आशा जी के जीवन साथी बने थे पंचमदा। और आर डी बर्मन साहब के साथ जो कोलैबोरेशन था, आशा जी का बहुत बड़ा कोलैबोरेशन था, उनकी डेथ तक ये कोलैबोरेशन बना रहा। और जो उनका सबसे पहला जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो तीसरी मंजिल था, और तीसरी मंजिल के बाद फिर कारवां, और इसके बाद हरे रामा हरे कृष्णा, न जाने कितनी फिल्में आई जी मेरे जीवन साथी, बहुत सारी फिल्में आई जिनके अगर मैं नाम गिनाना शुरू करूं तो एक बहुत लंबी फेहरिस्त बन जाएगी। तो बर्मन दा के साथ आशा जी का एक कोलैबोरेशन बहुत बड़ा था, और ऐसा इस्तेमाल किया बर्मन दा ने, यहां तक कि बॉलीवुड में के अलावा उन्होंने प्राइवेट एल्बम्स में, गजलों में, क्लासिकल गानों में भीनी भीनी भोर आई, या गुलजार साहब के साथ जो दिल पड़ोसी है एल्बम उन्होंने रिलीज की थी, तो उनमें भी एक अलग खनक उन्होंने आशा जी के आवाज की निकाली थी। और आशा जी ने अपने एक इंटरव्यू में ये डिक्लेयर किया था कि ये जो अलग अलग गानों में हंसती हैं, जैसे आप अगर आप पेइंग गेस्ट फिल्म का गाना देखें तो उसमें छोड़ दो आंचल, ये चीज जो उन्होंने करी है वो एस टी बर्मन दा की देन थी उन्हें, क्योंकि उन्होंने सिखाया गाने में हंसा कैसे जाता है, गाने में एक्सप्रेशन कैसे दिए जाते हैं। तो एसडी ने उन्हें ये सब चीजें दिखाई थी, और जिनके बाद उनके बेटे आरडी राहुल देव बर्मन पंचम दा ने आशा जी की आवाज का भरपूर इस्तेमाल किया। आजा जा, मैं हूं प्यार तेरा, हल्ला हल्ला इनकार तेरा, ओ आजा 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 जा, मैं हूं प्यार तेरा, हल्ला हल्ला इनकार तेरा, आजा 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 की आंखें चाहिए तुमको सहारा, पलकों में आओ छुपा लूं, नाजुक तन है तुम्हारा, आजा 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 आजा, मैं हूं प्यार तेरा, अल्लाह अल्लाह इनकार तेरा, आजा 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 Thank you.
अलग-अलग म्यूजिक कंपोजर्स के साथ आशा जी का कोलैबोरेशन रहा। और आड़ी की मैं अगर आपसे बात करूं तो एक फिल्म आई थी मेरे जीवन साथी, उसमें एक गाना था आओ ना गले लगाओ ना। तो इस गाने को आशा जी खुद बताती हैं अपने एक इंटरव्यू में कि उन्होंने जब ये मेरी फिल्म मेरे जीवन साथी फिल्म के बारे में सुना तो उसकी लिस्ट उन्होंने देखी तो उसमें आशा जी का एक भी गाना नहीं था। तो उन्होंने बर्मन दा से पूछा, क्यों बर्मन साहब आप मुझे इस फिल्म में एक भी गाना नहीं दे रहे हैं। उस वक्त आशा जी की बर्मन साहब के साथ शादी हो चुकी थी। तो बर्मन दा ने कहा कि मैं तुम्हें एक ऐसा गाना दूंगा जो दुनिया याद रखेगी, और आशा जी ने ये गाना एक ही टेक में गाया था और पूरा किया था। दोस्तों आशा जी के प्राइवेट करियर की बात करें, जो बॉलीवुड के अलावा उन्होंने करियर म्यूजिकल करियर किया था, इसके अलावा उनकी जो कई एल्बम्स थी, खैर एक दो फरमाइशें भी हमारे पास हैं दोस्तों जिनको हमें पूरा करना है। इससे पहले एक प्राइवेट गजल आपको आशा जी की सुनवाते हैं, इसके बाद उन फरमाइशों की ओर बढ़ते हैं। दर्द जब तेरी आता है तो गिला किससे करें, दर्द जब तेरी आता है तो गिला किससे करें, हिजर जब तूने दिया है तो मिला किससे करें, दर्द जब तेरी आता है तो गिला किससे करें।
फिर तेरा पता किससे करे, दर्द जब तेरी आता है तो गिला किससे करे। वक्त खत्म हो रहा है, जल्दी से अपनी फरमाइशों की ओर बढ़ते हैं। राहुल कुमार हैं पानीपत से, जिन्होंने काजल फिल्म के गाने की फरमाइश की है, भजन की फरमाइश की है, तोरा मन दर्पण कहलाए, आइए सुनते हैं। राहुल जी, आपने प्रोग्राम में पार्टिसिपेशन किया, इसके लिए आपका बेहद शुक्रिया। आपकी फरमाइश को हमने चलाने की कोशिश की है। दोस्तों,
आशा जी के अवार्ड्स की बात करें तो 7 फिल्म फेयर अवार्ड्स बेस्ट प्लेबैक सिंगर की आशा जी को मिले, जिनमें पहले 2 अवार्ड उन्हें 1967 और 1968 में मिले थे, और इसके बाद तो फिल्म फेयर अवार्ड्स की जैसे झड़ी सी ही लग गई। जो पहला अवार्ड था वो 10 लाख फिल्म के गाने के लिए था, तो इसके बाद आशा जी को बहुत सारे फिल्म फेयर अवार्ड मिले। हमारे पास और भी कई फरमाइशें हैं जिनको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो फिल्म फेयर अवार्ड की अगर मैं बात करूं, बेस्ट फीमेल सिंगर प्लेबैक सिंगर का जो अवार्ड आशा जी को मिला था, उन्हें 18 नॉमिनेशन मिले थे और 7 अवार्ड मिले थे। इनमें 1968 में गरीबों की सुनो गाना था 10 लाख फिल्म का, जिसमें उन्हें अवार्ड मिला था। पर्दे में रहने दो गाने के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिला, और मैं आपको ये बता दूं शिकार फिल्म का ये गाना था। इसके बाद पिया तू अब तो आजा कारवां फिल्म का गाना 1972 में इन्हें ये फिल्म फेयर अवार्ड मिला कारवां फिल्म के इस गाने के लिए, और ये फिल्म 1971 की थी। और 1973 में इन्हें अगला अवार्ड मिला दम रदम इस गाने के लिए, हरे रामा हरे कृष्णा फिल्म का ये गाना था, और ये फिल्म 1972 की जो हिप्पीज की जिंदगी पर आधारित थी। इसके बाद 1974 में होने लगी है रात नैना, इस गाने के लिए इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिला। चैन से हमको कभी प्राण जाए पर वचन ना जाए 1975 में इसके लिए इन्हें ये अवार्ड मिला, और 1974 की ये मूवी थी। 1979 डॉन फिल्म के गाने ये मेरा दे इसके लिए इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिला, और ये फिल्म 1978 की रही। और इसके बाद स्पेशल अवार्ड जो आशा जी को मिले, 1996 में स्पेशल अवार्ड इन्हें मिला रंगीला फिल्म के लिए, जो कि 1995 की फिल्म थी। तो हालांकि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी इन्हें मिला, 2001 में इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन्हें दिया गया। और इसके अलावा नेशनल फिल्म अवार्ड की अगर बात करें, 2 बार नेशनल फिल्म अवार्ड इन्हें बेस्ट प्लेबैक सिंगर का मिला। 1981 में इन्हें दिल चीज क्या है आपके आप मेरी जान लीजिए उमराव जान फिल्म के गाने के लिए मिला, और 1986 में मेरा कुछ सामान इजाजत फिल्म के गाने के लिए इन्हें ये बेस्ट फीमेल सिंगर का नेशनल अवार्ड मिला। हालांकि इसके अलावा बहुत सारे अवार्ड्स इन्हें मिले, और आशा जी ने अब तक 31,000 से भी ज्यादा गाने बॉलीवुड इंडस्ट्री को दिए हैं, और ये रिकॉर्ड अभी तक आशा जी के ही नाम है, कोई सिंगर इसे अब तक तोड़ नहीं पाया है। हमारे पास एक और फरमाइश है सायांतन की, जो कि है कोलकाता बंगाल से। उन्होंने इजाजत फिल्म का एक गाना मेरा कुछ सामान अपने मदर और अपने दोस्त को डेडिकेट किया है, तो इनकी फरमाइश को हम रेडियो उड़ान पर इस प्रोग्राम के आखिर में प्ले करते हैं। आपको प्रोग्राम कैसा लगा बताइएगा जरूर, लॉग इन कीजिएगा प्रोग्राम के बारे में बताने के लिए www.radioudaan.com, वहां पर एक छोटा सा फीडबैक फॉर्म है जिसे भरकर आप अपने सुझाव अपने सजेशंस अपना फीडबैक दे सकते हैं। हमारी स्काइप आईडी रेडियो उड़ान RADIOUDAAN पर भी अपना फीडबैक दे सकते हैं, या हमारी मेल आईडी mail@radioudaan.com पर भी अपना फीडबैक दे सकते हैं, या puneetsoni20@gmail.com पर भी अपना फीडबैक दे सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप उड़ान लाइव शोज और रेडियो उड़ान पर भी आप अपने अपने फीडबैक दे सकते हैं, या हमारी पर्सनल चैट 9780238512 पर भी अपने फीडबैक्स आप दे सकते हैं। आशा जी की जिंदगी से जुड़े कुछ पहलुओं को छूने की हमने कोशिश की है, हालांकि इनके बारे में अगर बात करते रहें तो एक बहुत लंबी फहरिस्त हो जाएगी इनके कामों की, इनकी जिंदगी के बारे में की जाने वाली बातों की पूरी रात बीत जाएगी, लेकिन इनकी जिंदगी के बारे में बातें खत्म नहीं होंगी। अलग अलग म्यूजिक कंपोजर्स के साथ इन्होंने गाया, मदन मोहन साहब के साथ, शंकर जयकिशन, सलील दा और आरडी बर्मन, एसटी बर्मन, ओपी नैयर, और इनके अलावा खयाम, और खयाम के साथ जो इनके गाने थे कोलैबोरेशन की उनके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, और इकबाल कुरैशी, एसएन त्रिपाठी, बहुत सारे सिंगर्स, एन दत्ता, दत्ताराम, हर कंपोजर्स के साथ इन्होंने अपना कोलैबोरेशन दिया है। तो अब मुझे यानी पुनीत को आज का प्रोग्राम खत्म करने की दीजिए इजाजत, बाय बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर। सायांतन जी को इनकी फरमाइश इनके शहर में। सामान तुम्हारे
Sleep.
इस शम में फरोज़ा के